चंदवा पुलिस की टीम ने बरामद की नशीले पदार्थ की बड़ी खेप। NH-75 पर अभियान चलाकर लगभग 1.5 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। 3 तस्कर भी धराए गए। लातेहार SP को मिली गुप्त सूचना के आधार पर चंदवा पुलिस की टीम ने गुरुवार को NH-75 मुख्य मार्ग से भारी मात्रा में नशीले मादक पदार्थ की खेप को पकड़ने में सफल रही। इस दौरान 3 तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। गुरुवार को चंदवा थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए SDPO संतोष कुमार मिश्रा, CO सुरेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर मदन शर्मा ने बताया कि बोलेरो CG07AAN/0573 के फर्श व छत पर बने गुप्त बॉक्स नुमा गुप्त तहखाना में छुपाकर गांजे की सप्लाई NH के रास्ते विभिन्न क्षेत्रों में की जाती है। इसी आलोक में कार्रवाई की गई, जिसमें एक बोलेरो वाहन को पकड़ा गया। वाहन की जांच के क्रम में तहखाने से पैकेट बंद लगभग 150 किलो गांजा बरामद किया गया। अभियान के दौरान टीम ने 3 तस्कर प्रकाश सिंह उर्फ अभिषेक सिंह सिमरी बक्सर बिहार, रमन गुप्ता उर्फ मोनू गुप्ता बलिया उत्तर प्रदेश, रोहित शर्मा बलिया बिहार को पकड़ने में सफल रही। पकड़े गए गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कड़वा दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।